एक समय खादी भारत की स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक हुआ करती थी। समय बदलते ही आधुनिकता इस पर भारी पड़ने लगी, जिससे आज खादी अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते वक्त बापू ने खादी को वस्त्र नहीं विचार बताया था, जिससे उन्होंने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया। महात्मा गांधी के इस विचार ने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। आजादी के बाद वही खादी आज बापू के सपने को चकनाचूर कर रही है। ईटीवी भारत संवाददाता परमजीत सिंह लांबा ने देहरादून खादी स्टोर्स पर जाकर लोगों के रुझान को जानने की कोशिश की। उन्होंने देहरादून स्थित क्षेत्रीय गांधी आश्रम में पिछले 38 साल से कार्यरत सर्वेश तिवारी से इस बारे में विस्तार से बात की। जो हम प्रोडक्शन जो हमारे पास बिजनौर में होता है, जो देहरादून में हमने दो चार प्रोडक्शन सेंटर खोला, रानी पोखरी में खोला, भोगपुर में खोला, देहरादून में भी खोला, दीपनगर में अजयपुर विधानसभा के पास में भी खोला, लेकिन हमारे प्रोडक्शन सेंटर ना तो कताई हो पा रही है ना तो वो चल पा रहे हैं। वजह कारण कि उसके लिए हमारे पास मजदूरी हम जब ज़्यादा बढ़ाते थे, बढ़ा करके जब मेन पावर को जब हम ज़्यादा मजदूरी देते हैं तो हमारे कास्ट बढ़ जाता है और हम उतनी मजदूरी दे नहीं पाते हैं जितनी की मजदूरी 400-500 रुपया हम किसी प्रोडक्ट के लिए जब दे पाते हैं तो उसको हम नहीं दे पाते और ना तो गवर्नमेंट इसके कास्ट चार्ट अलाउ करती है। हम कम जब मजदूरी देते हैं तो कम मजदूरी में हमारे पास ग्राहक मजदूर करने वाला कोई जुड़ता नहीं है, क्योंकि मेन पावर में फिनिशिंग कम होती है, प्रोडक्ट कम होता है, इसलिए लोग उसको दे नहीं पाते हैं। यहाँ के जागरूकता है, सब लोग सहयोग देते हैं, लेकिन फिर भी जो प्रोडक्ट मामले में हम जुड़ नहीं पा रहे हैं। आधुनिक कपड़े की अपेक्षा खादी स्वास्थ्य के लिहाज से काफी अच्छा माना जाता रहा है, लेकिन चार दशक से गांधी आश्रम में कार्यरत सर्वेश तिवारी की माने तो आज हालात ये हैं कि साल 2017 में गांधी आश्रम को सालाना 70 लाख रुपए का घाटा हुआ था और 2018 में ये घाटा बढ़कर 125 करोड़ रुपए हो गया है। ईटीवी भारत उत्तराखंड के लिए देहरादून से परमजीत लांबा की रिपोर्ट।